ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश के शहडोल से है, जहां दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहां खेत में एक अधेड़ के अधजला शव बरामद भाजे के बाद इलाका में सनसनी फैल गए। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सपचरण का प्रणाम कैसे शुरू कही थे बड़ी खबर से बता दी के शव बरामद होने के बाद परिजन और ग्रामीणन के द्वारा न केवल आक्रोश जतावागा बलुक चक्का जाम कई दिन गह। बता दें कि एक दिन पहले लापता किसान के खेत में संदिग्ध हालत में अधजला चोटिल शव मिला है। परिजन के द्वारा हत्या की आशंका जाहिर की गई और बीच सड़क में शव रख के विरोध किन जाला है। मौके में पहुंची पुलिस के द्वारा लोगन के समझाइश दे के काम किन जाला है। पर ग्रामीण जो है अपने मांग का लेके विरोध माड़े हम। शहडोल जिला के पपौंद थाना क्षेत्र के ग्राम निपनिया के रहने वाले किसान अमित कुमार तिवारी 15 दिसंबर का अपने घर से खेती के काम खातिर बाहर निकले रहे, जिनका आधी रात तक कोरोमेर की जानकारी जिनकर बारे में नहीं मिली रही। परिजनन के द्वारा खोजबीन करे के बाद थाना में लापता हुए की जानकारी दी गई। एक दिन बाद निपनिया दलका में स्थित पड़ोसी के खेत में संदिग्ध अवस्था में जितेंद्र के शव मिला, जिनके शरीर में चोट के निशान घलाए हम। मामला की जानकारी लगता है मौके में पपौंद पुलिस पहुंची, जहां शव के पोस्टमार्टम करके परिजनन का सौंप दिन गया है। नाराज परिजनन के द्वारा हत्या की आशंका जताई गई है और निपनिया व्यवहारी मार्ग में शव का रख के चक्का जाम कई दिन का। लोगन के दौरान यह मांग रही कि जिला के बड़ा अधिकारी मौके में आ और जल्द से जल्द हत्या के खुलासा करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। एक साथ ही परिजनन के द्वारा कुछ लोगों के ऊपर संदेह गला जतावा जातला है। पुलिस के द्वारा पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाला है। इस मामला में थाना प्रभारी जेपी शर्मा के द्वारा बतावागा कि जितेंद्र के लापता हुए की जानकारी उनका मिली रही, जेकर एक दिन बाद जो है शव बरामद हुआ है। खेत में शरीर में चोट के निशान हमा और हत्या की आशंका परिजनन के द्वारा जताई जाला है। मामला के पड़ताल की जाला है। परिजनन के द्वारा शव को सड़क में रख के चक्का जाम की गा है, जिनका सब झाइस दे के काम लगातार जारी है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में ऐसा कई एक मामला सामने आए हैं, खासतौर में अगर विंध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगातार जो है जंगलन में कई एक तरह की शव बरामद भी हम, जिनके बारे में बेहद हैरान कर दे वाले खुलासों पुलिस के द्वारा किए गए हैं। देखने वाली बात यह हुई कि अब मामला में पुलिस के द्वारा कौन मेर की कार्रवाई की जाती, ये घटना के खुलासा हो पावत है या फिर घटना महज एक घटना बन के रह जाए। तो दे इजाजत रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। प्रणाम।